Hello, students, and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 15 for Business Organization, and here we will discuss transport and warehousing. The topics to be covered are trade and barriers to trade, transport, its importance, essentials of a good transport system, modes of transport, choice of mode of transport, containerization, clearing and forwarding agents. वेयर हाउसिंग एंड टाइप ऑफ वेयर हाउसेस नज इंट्रोडक्शन मॉडर्न बिजनेस इन्वॉल्व मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स ऑन अ लार्ज एंड मेकिंग दम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिस्टेंस प्लेस डिस्टेंट प्लेसेस मॉडर्न बिजनेस में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स की जरूरत पड़ती है और उन्हें कंज्यूमर्स तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है दूर दूर तक दस गुड्स मस्ट बी मूव फ्राम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द्लेस ऑफ कंजम्पन टू क्रिएट प्लेस यूटिलिटी टू दैम सिमिलरली ट्रेडिंग इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन एंश्योरिंग द एवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स टू इंश्योर एज इन वेन नीडेड सो गुड्स को एक जगह से प्रोडक्शन की प्लेस से कंजम्पन की प्लेस तक मूव करना बहुत जरूरी है और ट्रेडिंग के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन आती है गुड्स की कंज्यूमर्स तक उन्हें पहुँचाना जब भी ज़रूरत हो this involves holding of stocks by traders as near as possible to the markets and supply to buyers thus transportation and warehousing functions ensure consumers to get a ready supply of goods as the right place and right time so होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडर्स के लिए ताकि मार्केट में जब भी उनकी जरूरत पड़े वो सप्लाई कर सके और इसलिए ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग फंक्शन भी ये इंश्योर करते हैं कि जब भी गुड्स की जरूरत पड़े तो उन्हें राइट प्लेस पे राइट टाइम पे पहुंचा सके नाउ ट्रेड एंड बैरियर्स टू ट्रेड ट्रेड एक बिजनेस एक्टिविटी होती है जिसमें गुड्स की बाइंग और सेलिंग होती है मार्केट ऑफ गुड्स Markets of goods produced on a large scale are spread over the length and breadth of the country and even extend to countries across the border to help traders bridge the distance between the places of production and the markets. That is, to enable traders to create place utility for goods and earn their income facilities must exist. सो so, यहाँ पे जो बैरियर आता है ट्रेड का वो आता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कि कैसे गुड्स को जहाँ पे जरूरत है वहां तक पहुंचाया जाए क्योंकि प्रोडक्शन एक जगह पे होती है और कंज्यूमर्स हर जगह होते हैं तो इसलिए गुड्स को दूर दूर तक पहुंचाना जरूरी है So, ये हिंड्रेंस हम रिमूव करते हैं एड्स टू ट्रेड की वजह से जो आता है ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग की वजह से वेयर हाउसिंग जो है गुड्स को एक स्टॉक में रखने में हेल्प करता है ताकि जब भी डिमांड आए तब हम गुड्स को सप्लाई कर सके और ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते हैं नाउ ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस कंज्यूमर्स डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इन थ्री वेस फर्स्टली अ लार्ज वाइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चर्ड एट डिफरेंट प्लेसेज आर अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑल ओवर दंट्री एज वेल एज अब्रॉड दिस इज नोन एज दिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइड कंजम्पशन सो फर्स्ट बेनिफिट जो कंज्यूमर्स को मिलता है वो होता है बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइड कंजम्पन एक जगह पे गुड्स मैनुफैक्चर हुए हैं और उन्हें अलग जगह पे हम यूज कर सकते हैं कंज्यूमर्स अलग अलग जगह के गुड्स को जो प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चर होते हैं वहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं सेकेंडली एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ मार्केट विद दल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स आर अवेलेबल एट लोअर प्राइस टू दंज्यूमर्स सो इकनॉमीज और ऑफ स्केल की वजह से मार्केट जो है एक्सटेंड हो गई है और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी बहुत ज्यादा ईजी हो गया है गुड्स को पहुंचाना और इस वजह से कंज्यूमर्स को लो प्राइस पे गुड्स अवेलेबल होते हैं थर्डली गुड्स आर अवेलेबल एट स्टेबल प्राइसेज एज ट्रांसपोर्ट एनेबल सप्लाइज टू बी मूव क्विकली फ्रॉम सर्प्लस टू डेफिसिट एरियाज गुड्स जो अवेलेबल होते हैं स्टेबल प्राइसेज पे उस वो ट्रांसपोर्ट की वजह से होते हैं और जिसकी वजह से इजिली हम गुड्स को डेफिसिट एरियाज पे भी मूव कर सकते हैं देन इकोनॉमिक बेनिफिट विच आर डिराइव फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फेसिलिटीज में बी आउटलाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड डिपेंड्स अ ग्रेट डील ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की वजह से और ट्रेड की डेवलपमेंट की वजह से ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी इजी हो गई है इजी ट्रांसपोर्टेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड आल्सो मूवमेंट ऑफ लेबर हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज देन एक्सटेंशन ऑफ मार्केट्स थ्रू ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एनेबल्स बायर्स टू हैव अ वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटेटिव प्राइसेस मार्केट की एक्सटेंशन जो हुई है ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की वजह से उसकी वजह से भी बायर्स के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस आ गई है कॉम्पिटिटिव गुड्स खरीदने के लिए एक्सटेंडेड मार्केट्स आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू दी सेलर टू सेल एट मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स दस बायर्स एज वेल एज सेलर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इज इंकरेज विद इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट मेक्स मार्केट्स एक्सेसिबल टू सेलर्स एंड बायर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड लीड्स टू वाइडर चॉइस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटन भी एनकरेज होता है इससे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अच्छी इंप्रूवमेंट की वजह से बायर्स और सेलर्स को अलग अलग कंट्रीज का एक्सेस हो गया है देन वेल डेवलप्ड सी एंड ओशन ट्रांसपोर्ट हैव लेड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट सी ट्रांसपोर्ट और ओशन ट्रांसपोर्ट की वजह से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ता है देन ट्रांसपोर्ट हैज फेसिलिटेटेड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज विच हैज इन टर्न एनेबल्ड पीपल टू इंटरेक्ट एंड प्रमोट मटीरियल वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस आ गया कंट्री के बीच कंट्रीज के बीच में जिसकी वजह से लोगों में इंटरेक्शन बढ़ गई है और ह्यूमन वेलफेयर का जो प्रमोशन है वो भी बढ़ गया है नेक्स्ट इज दशियल ऑफ अ गुड ट्रांसपोर्ट नाउ अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज वन विच शुड सर्व द दर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सैटिस्फाई दिक्वायरमेंट्स फर्स्ट इज इट शुड बी इकोनॉमिकल नाउ जो अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है जैसे कि इकोनॉमिकल होना चाहिए मतलब जो कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्ट सर्विस की वो इतनी कम होनी चाहिए ताकि यूजर्स इजीली गुड्स को कैरी कर सके लोएस्ट पॉसिबल चार्जेस पे और अल्टीमेट कंज्यूमर तक उन्हें पहुंचा सके सेकंड इट शुड बी केपेबल ऑफ कैरिंग गुड्स एज स्पीडली एज पॉसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से गुड्स को हम क्विकली कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें देयर शुड नॉट बी एनी डिले इन रीचिंग द डेस्टिनेशन एक्सेप्ट फॉर नेचुरल calamities और unavoidable causes. कॉजेज देन the transport service should be available regularly as and when required. It must ensure the safety of the goods. गुड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जब भी जरूरत हो तब वो अवेलेबल होनी चाहिए इट शुड बी ऑपरेटेड बाई द प्रॉपर्ली स्किल्ड एंड एफिशियंट पर्सन केपेबल ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स इन इमरजेंसी अब प्रॉपर्ली स्किल्ड पर्सन ही उसको हैंडल करे और उसको ऑपरेट करे ऐसा होना चाहिए सो वी रिक्वायर स्किल्ड इंडिविजुअल्स देन इट शुड प्रोवाइड फॉर इंश्योरिंग द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड अश्योर पेमेंट ऑफ ड्यू कॉम्पन्शन इन केस ऑफ डिले कॉजिंग लॉस एट द ओनर ऑफ गुड्स टू द ओनर ऑफ गुड्स सो so, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए देन सिक्स इज देयर शुड भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स प्रॉपर्ली एंड एट मिनिमम कॉस्ट सो प्रॉपर अरेंजमेंट्स की भी बहुत जरूरत होती है ताकि गुड्स को हम इजिली लोड और अनलोड कर सकें विदाउट एनी मिसहैंडलिंग देन एज फार एज पॉसिबल डिलीवरी और ऑफ गुड्स शुड बी मेड एट लोकेशन कन्वीनियंट टू द रिसीवर ऑफ द गुड जो भी रिसीवर हो उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से ही गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए सो दीज आर दी एसेंशियल पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय चूजिंग दी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नेक्स्ट आर दी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नाउ वी हैव फोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट सी ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस मोड्स फर्स्ट इज दी रोड ट्रांसपोर्ट नाउ सूटेबिलिटी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कंसीडरिंग दी एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इट मे बी फाउंड मोर सुटेबल इन दी फॉलोइंग केसेस अब कुछ रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस होती हैं जैसे कि यूजर्स ईजिली सर्विस ले सकते हैं लोडिंग अनलोडिंग ईजी होती है शॉर्टर डिस्टेंस के लिए बहुत चीप होता है और स्पीडली हमें गुड्स मिल जाते हैं गुड्स को लोड अनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बस एक बार गुड्स को लोड कर दिया और फिर डेस्टिनेशन पर जाके ही अनलोड करते हैं तो बार बार उसको लोड अनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसकी वजह से मिसहैंडलिंग कम हो जाती है सर्विसेज भी रेगुलर होती हैं केस में जो रेलवे ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रेशर आता है वो भी बहुत कम हो जाता है और इनएक्सेसिबल ट्रेन में जैसे कि हिली और माउंटेनियस एरियाज में जहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच सकता वहाँ रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छे से काम कर आता है इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं कुछ जैसे कि सर्विसेज कई बार डिले हो जाती है अगर व्हीकल खराब हो जाए तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती रेट्स में अलग अलग एजेंसीज अलग अलग रेट्स पे हमें रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाती है देन स्मॉल ऑपरेटर्स के केस में कोई फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं होता इनका एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं होती लॉस और डैमेज के अगेंस्ट हैवी और बल्कि लोड्स के लिए रोड ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत कम यूज होते हैं और थोड़े कॉस्टलियर भी हो जाते हैं लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट कुछ उनकी एडवांटेजेस की वजह से कहीं ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे सूटेबल होते हैं जैसे कि जहाँ पे बहुत छोटे कंसाइनमेंट्स हो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जहाँ पे हमें स्पीडी मूवमेंट चाहिए हो और डिस्टेंस भी कम हो जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग बार बार रिक्वायर्ड ना हो और कन्वीनियंस की वजह से सेंडर और रिसीवर की गुड्स की को पहुंचाना हो देन फॉर हैंडलिंग गुड्स टू एंड फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड साइडिंग्स दैट इज़ एज अ फीडर सर्विस फीडर सर्विस में भी रिक्वायर्ड हो सकता है जैसे कि रेलवे स्टेशन से उतार के डेस्टिनेशन तक लेके जाना या फिर सोर्स से रेलवे स्टेशन तक लाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा रहता है हिली और माउंटेनियस ट्रेन में भी हम रोड ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं जहाँ पर रेल ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं होता एंड फास्ट मूविंग पेरिशेबल गुड्स के लिए जैसे कि वेजिटेबल मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रूट्स और जहाँ पर लिमिटेड डिस्टेंस के लिए हमें गुड्स को मूव करवाना हो तो रोड ट्रांसपोर्ट इज दी बेस्ट ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट इज द रेल ट्रांसपोर्ट अब रेल ट्रांसपोर्ट को अवेल करवाने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है सबसे पहले हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसे फॉरवर्डिंग नोट या फिर कॉन्सिक्वेंट नोट कहते हैं उसके बाद ये जो फॉरवर्डिंग नोट होता है इसको मार्क करते हैं हम या तो रेलवेज रिस्क या फिर ओनर्स रिस्क रेलवेज रिस्क जब मार्क करते हैं तो उस पर फ्राइट रेट हायर होता है क्योंकि इस केस में अगर डिले लॉस या डैमेज होता है तो रेलवेज अपने पास से पैसे देती है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ओनर्स रिस्क में थोड़ा रेट्स जो है वो लोअर होते हैं क्योंकि किसी भी डिले लॉस या डैमेज का जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ओनर्स की होती है सेकंड फॉरवर्डिंग नोट को फिल करने के बाद उस फॉरवर्डिंग नोट को सबमिट किया जाता है पार्सल ऑफिस में जो सेंडर जहां पे एक रिसीट देता है जिसे कहते हैं रेलवे रिसीट आर आर देन रेलवे रिसीट जो होती है वो एक एक्नोलमेंट होती है गुड्स की जो भी उसको रिसीव किए गए हैं उसके बाद थर्ड स्टेप होता है जब गुड्स अराइव हो जाते हैं डेस्टिनेशन पे तो जो कंसाइनी होता है यानी कि रिसीवर उसको एक्सेप्ट करता है डिलीवरी लेता है इमिजिएटली और एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अगर अदरवाइज उसको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है अगर वो डिलेड कर देता है अपनी डिलीवरी एक्सेप्ट करने में उसे कहते हैं डेमरेज देन अब इसकी एडवांटेजेस एडवांटेजेस होती है गुड्स को अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें सेंड करना है तो फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट अच्छा रहता है रोड ट्रांसपोर्ट से अगर हम कंपेयर करें तो हैवी और बल्कि गुड्स रेलवे ट्रांसपोर्ट के थ्रू इजीली हम भेज सकते हैं देन यहाँ पे वैगन्स को हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं अपने गुड्स की क्वांटिटी के हिसाब से लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता अब ये जो है डिपेंडेबल सर्विस प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें वेदर कंडीशंस जैसे कि रेन या स्टॉम की वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती जो रेल ट्रांसपोर्ट में काफ़ी आ जाती हैं देन इसमें गुड्स को हम सेफली कैरी कर सकते हैं और रिस्क जो है वो बहुत कम रहता है ट्रेन जो होती हैं बहुत स्मूदली मूव करती हैं तो गुड्स की डैमेज भी बहुत लिमिटेड रहती है और इसी की वजह से इसकी कुछ सूटेबिलिटी भी है एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को देखते हुए लिमिटेशंस यहाँ पे आ जाती है क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो इसलिए रेल ट्रांसपोर्ट हम हमेशा यूज़ नहीं कर पाते हैं और गुड्स जो हम रेलवेज़ के थ्रू ट्रांसफर ट्रांसफ़र करते हैं वो फिक्स्ड प्लेसेस पे ही ट्रांसफ़र होते हैं क्योंकि रेल्स जो है वो रेलवे ट्रैक्स पे ही चलती हैं तो इसलिए उनको लोड अनलोड करने के लिए हमें रोड ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है देन रेलवे ट्रांसपोर्ट्स जो होते हैं वो माउंटेनियस और हिली एरियाज़ में बहुत लिमिटेड मिलते हैं अब इसकी सूटेबिलिटी जहाँ पे हैवी और बल्कि गुड्स की जरूरत पड़ती है हमें कैरी करने की लॉन्ग डिस्टेंस पे वहाँ हम रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं वेन रेगुलरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी केप्ट इन व्यू वी कैन यूज रेल ट्रांसपोर्ट देन जहाँ पे गुड्स बल्कि होते हैं लेकिन उनका लो यूनिट होती है जैसे कि मिनरल्स कोल एट्सट्रा तो वहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं देन गुड्स जहाँ पे हमें स्पीडली पहुँचाने हो और वेदर कंडीशंस भी अनसर्टेन हो तो इन केसेस में हम रेल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज दी सी ट्रांसपोर्ट सी ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं और इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं रिवर एंड केनाल ट्रांसपोर्ट जो बोट्स और स्टीमर्स की वजह से होते हैं जिन्हें कहते हैं इंडलैंड वाटरवेज और दूसरा होता है सी और ओशन ट्रांसपोर्ट विच इज बाय शिप्स नाउ क्लासीफिकेशन ऑफ शिपिंग बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ऑपरेशन शिपिंग को हम तीन पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं ओवरसीज कोस्टल एंड ऑफ शोर ओवरसीज कैन बी डिवाइडेड इंटू बल्क कार्गो एंड जनरल कार्गो एंड बल्क कार्गो इंक्लूड्स ड्राई कार्गो एंड लिक्विड कार्गो ना ओवरसीज जो होता है ना शिपिंग को हम ब्रॉडली तीन सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं कोस्टल ऑफ शोर एंड ओवरसीज कोस्टल शिपिंग जो होती है हमारी वो होती है बिटवीन डिफरेंट पोर्ट्स बट बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री ऑफ शोर शिपिंग जो होती है विच इट इज लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ मैन पावर स्पेयर एंड नेसेसिटीज टू ऑफ शोर इंस्टॉलेशन और ओवरसीज शिपिंग जो होती है वो होती है हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मर्केंडाइज को जब हम अलग अलग कंट्रीज के बीच में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अब ये ओवरसीज सेगमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बल्क कार्गो जो कि कंसर्न होते हैं हमारी बल्क कमोडिटीज से और जनरल कार्गो होता है जो इसमें हम वेरियस आइटम्स को अलग अलग क्वांटिटीज में मूव करते हैं बल्क कार्गो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ड्राई कार्गो एंड लिक्विड कार्गो ड्राई बल्क कार्गो में हमारी ड्राई कमोडिटीज आ जाती है जैसे कि ग्रेन्स कोल आयरन और एक्सेट्रा और लिक्विड कार्गो में हमारी लिक्विड आते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल डीजल फर्नेस ऑयल एक्सेट्रा नेक्स्ट इज दी सी ट्रांसपोर्ट का अब जो हमारी सूटेबिलिटी अब सबसे पहले इसका प्रोसीजर जब हमें गुड्स ट्रांसपोर्ट करने होते हैं सी से तो इसलिए इस केस में असेंशियल होता है कंसाइनर के लिए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए शिपिंग कंपनी के साथ जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बाद में जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसके इसमें क्या होता है कि एक कार्गो हम बुक करवाते हैं जो कि कैरी करेगा और जो शिपर होता है उसके पास शिपिंग ऑर्डर आता है फिर इस स्टेज पे क्या होता है कि कस्टम फॉर्मेलिटी सारी पूरी करते हैं और एक शिपिंग बिल को फुलफिल करना पड़ता है जो ट्रिप ट्रिप्लिकेट फॉर्म में होता है कस्टम्स ऑफिस में सबमिट होता है जहाँ पे बिल स्क्रूटनाइज होता है और ऑर्डर पास होता है देन फोर्थ स्टेप होता है डॉक्स रिसीट को रिसीव करना डॉक्स रिसीट हमें uh, मिलती है डॉक पे जहाँ पे हम गुड्स लोड करते हैं शिपिंग ऑर्डर और शिपिंग बिल को मेट को पहुंचाते हैं मेट इज़ द दैप्टन असिस्टेंट वहां से वो हमें एक मेट रिसीट देते हैं जो एक एक्नोलेजमेंट होती है कि उसको गुड्स मिल गए हैं मेड्स रिसीट एक प्रोविजनल रिसीट होती है जो कि हम ऑफिस में प्रोड्यूस करते हैं शिपिंग कंपनी के जिसे हम फिर वहां से ऑप्टेन करते हैं बिल्स ऑफ लीडिंग जिसके अंदर सारी टर्म्स और कंडीशन होती हैं डिलीवरी किस प्रोडक्ट की कर रहे हैं सब कुछ मैंशन होता है फ्रेट नोट को उसके बाद हम भेजते हैं शिपर के पास जिसके अंदर सारी फ्रेट पेबल जो भी है कंसाइनमेंट प्लस जो भी चार्जेस होंगे सुपरविजन के वो सारी चीज़ें उसमें मैंशन होती हैं इसे हम प्राइमेज भी कहते हैं देन कंसाइनर जो होता है यानी कि एक्सपोर्टर उसने जब गुड्स शिप कर दिए हैं तो वो एक एडवाइस नोट भेजता है इम्पोर्टर के पास दैट इज कंसाइनिंग उसके बाद जब शिप वहां पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पे इम्पोर्टर उस पेमेंट के लिए अरेंज करता है फ्रेट के लिए जो कि ऑलरेडी अगर पेमेंट नहीं हुई हुई है उसकी और शिपिंग कंपनी देन एक एंडोर्समेंट करती है बिल्स ऑफ लीडिंग के बैक्स पे और उसे कहते हैं एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी और सेम टाइम पे एक बिल ऑफ एंट्री देते हैं जिसके अंदर गुड्स की डिटेल्स वगैरह होती हैं इम्पोर्टर वो सबमिट करवाता है और उसके बाद गुड्स की डिलीवरी लेते हैं देन इसके एडवांटेजेस होती हैं कि ये बल्कि गुड्स के लिए इकोनॉमिकल है लार्ज डिस्टेंसेज पे डिसएडवांटेज ये है कि इकोनॉमिकली ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और स्लो मूविंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है सुटेबिलिटी इसकी वो होती है क्योंकि चीपेस्ट मोड ये वहाँ पे है जहाँ पे हैवी और बल्कि गुड्स को ट्रांसफर करना हो एंड हाउ एवर इट इज नॉट सुटेबल इवन दो चीप फॉर द फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स क्योंकि ये बहुत स्लो मूवमेंट होती है यहाँ पर गुड्स की और नंद इट इज इनडिसबल फॉर ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विच आर सेपरेटेड बाई सी नेक्स्ट इज द एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है गुड्स भेजने का उसके लिए एयरवेज के साथ पहले हम एक कंसाइनर जो होता है वो एक एयर कंसाइनमेंट नोट प्रिपेयर करता है जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे के सारे पर्टिकुलर्स होते हैं पैकेजेस को लेके मेथड ऑफ पैकिंग उसका वेट क्वांटिटी वॉल्यूम फ्रेट टू बी पेड एट्सेट्रा देन एयर कंसाइनमेंट नोट को प्रिपेयर करते हैं तीन पार्ट्स में एक पार्ट साइन करता है कंसाइनर और उसको मार्क करता है फॉर द कैरियर सेकेंड पार्ट साइन करती है एयरवेज और कंसाइनर और इसको मार्क करते हैं फॉर कंसाइनर और थर्ड पार्ट साइन करती है एयरवेज जो कि एक एक्नॉलेजमेंट होती है गुड्स रिसीव करने की और ये फॉरवर्ड करते हैं कंसाइनी को जो कि उसको रिसीव करता है डेस्टिनेशन पे इसकी एडवांटेजेस हैं कि जो एयरवेज होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करती है और बहुत क्विक भी होती है स्पीडियस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का और वैल्यूएबल टाइम जो है वो सेव हो जाता है यहाँ पे डिसएडवांटेज इसकी दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं फर्स्ट बल्कि गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार फ्लाइट्स जो है वो डिले भी हो जाती हैं वेदर कंडीशन की वजह से सूटेबिलिटी एयर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन स्पीडिएस्ट मीन्स होता है ट्रांसपोर्ट का और क्विकेस्ट मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन का और इसीलिए काफी ज्यादा सूटेबल होता है पेरिशेबल गुड्स भेजने के लिए या फिर आर्टिकल जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है या लो वॉल्यूम में अगर हमें गुड्स भेजने जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेट्स एटसेट्रा देन आर दी मिसलेनियस मोड्स मिसलेनियस मोड्स में आ जाती है पाइपलाइंस पोस्टल ऑफिस कुरियर सर्विसेज एटसेट्रा इनकी सूटेबिलिटी पोस्टल सर्विसेज जो होती है वो यूजफुल होती है स्मॉल क्वांटिटीज सेंड करने के लिए जहां पे क्वांटिटीज जो है अन इकोनॉमिकल हो या फिर ट्रक्स ट्रेन और शिप से कैरी होती हैं हैवी और बल्कि गुड्स को भेजने के लिए पार्सल पोस्ट वगैरह जो है एक्सपेंसिव हो जाते हैं और ज्यादातर यूज भी नहीं होते हैं देन चॉइस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अब कौन सा ट्रांसपोर्ट हमें सूट करना है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड बी चोजन बाई दी Business firm will depend upon the nature, weight, bulkiness, and volume of goods to be transported. And generally, four major factors include choice of transport, mein, cost, speed, flexibility, and regularity of the service. Next is the containerization. Containerization refers to the technique of using specially made. कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कुछ कंटेनर्स होते हैं जिनको अगर हम गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करें तो ये मेथड होता है कंटेनराइजेशन इसके अंदर एक कैरिएज होता है गुड्स का जो लार्ज बॉक्स की तरह होता है कंटेनर्स की तरह जिसे हम लोड और अनलोड कर सकते हैं ट्रेन ट्रक्स शिप्स या एयरक्राफ्ट में एक्चुअली कंटेनराइजेशन इज इंटेंडेड टू एलिमिनेट ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग मैनुअल हैंडलिंग ऑफ कार्गो मैकेनाइजिंग मैके ऑपरेशन एंड एंश्योरिंग ऑटोमेटिक कंट्रोल ओवर ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन कंटेनर्स फ्रॉम स्टोरेज टू कैरियर्स एंड फ्रॉम वन टाइप ऑफ कैरियर टू अनदर जो कार्गो को हम मूव करते हैं एयर के थ्रू वो कन्वीनियंटली पॉसिबल भी होता है कि कंटेनराइजेशन के थ्रू हम उसको मूव कर सकें हाउ एवर इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल टू ऑपरेट ह्यूज एयर फ्रेटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी कंटेनराइज कार्गो देन क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स जो होते हैं वो जनरली एंगेज होते हैं इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को कंप्लाई करने के लिए

फारवर्डिंग एजेंट्स भी सिमिलरली एंगेज होते हैं एक्सपोर्टर की तरफ पे टू कम्प्लाई विद द कस्टम्स फार्मेलिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोर्ट एंड डॉक अथॉरिटीज़ एंड कनेक्शन विद शिपिंग गुड्स टू फॉर एक्सपोर्ट सो बेसिकली ये एक्सपोर्टर्स की तरफ काम करते हैं और कस्टम फार्मेलिटीज को कम्प्लीट करने के लिए पोर्ट की रिक्वायरमेंट्स या डॉक अथॉरिटीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं फॉर्वर्डिंग एजेंट्स एंगेज होते हैं ताकि वो सारी ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट्स वगैरह को देख सकें एंड इसमें ये दोनों ही क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट्स जो होते हैं वो कमीशन चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग होता है जहां पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं लार्ज स्केल पे या फिर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन की तरह काम करता है इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर प्रिवेंशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स इन प्रॉपर कंडीशन सो ऑटो प्रिवेंट लॉस और डैमेज एंड मेकिंग द गुड्स available to traders or dealers for sale warehouses are places where storage facility exist thus warehousing is an essential aid to trade or ancillary or trading activity it creates both time and place utilities as goods stored in warehouses can be available whenever and wherever needed by buyers वेयर हाउसिंग एनेबल करता है ताकि होलसेलर्स जो है वो गुड्स खरीद के मैन्युफैक्चरर से एक जगह पे रख सके और स्मॉल लॉट्स में फिर रिटेलर्स को बेच सके वेयर हाउसिंग ऑल्सो प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन प्राइसेस को नॉर्मली जब वो नीचे चले जाते हैं एक्सेस सप्लाई की वजह से तो शॉर्टेज इंक्रीज होने की वजह से तो उसको स्टेबिलाइज करने के लिए वेयर हाउसेज यूज होते हैं फॉल इन प्राइस कैन बी कंट्रोल बाय स्टोरिंग द एक्सेस सप्लाई एंड ऑल्सो प्राइस राइज कैन बी मिनिमाइज बाय सप्लाइंग द प्रोडक्ट फ्रॉम स्टोरेज स्टोरेज में एनेबल बेटर प्राइसेज टू बी सिक्योर्ड बाय द प्रोड्यूसर और होलसेलर एज सप्लाई कैन बी एडजस्टेड टू डिमांड ना टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज वेयर हाउसेज तीन टाइप के होते हैं बॉन्डेड पब्लिक एंड प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउसेज वो होते हैं जो पोर्ट्स वगैरह के पास लोकेटेड होते हैं जहां पे इम्पोर्टेड गुड्स को स्टोर करते हैं ताकि इंपोर्टर्स वहां से पूरी फॉर्मेलिटीज करके सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके गुड्स को ले सकें पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं जो मैनुफैक्चर प्रोड्यूसर्स या फिर ट्रेडर्स की फैसिलिटीज के लिए बनाए गए होते हैं ये वेयर हाउसेज लोकेटेड होते हैं फेवरेबल साइट्स पे जैसे कि रेलवे रूट्स पे हाईवेज़ पे और पोर्ट्स के पास और प्राइवेट वेयर हाउसेज लार्ज मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स अपने खुद के ओन करते हैं और इनकी मेंटेनेंस जो होती है वो ओनर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है now here are some questions for you first is what are the essential features of a good transport system briefly explain and second what are the factors to be taken into account while selecting the mode of transport for goods that's all for this session thank you and have a nice day